हे व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज स्मार्टी अर्थ की हाल चाल सत श्री अकाल। अभी मैं जाने वाला हूँ डलहौजी। अभी अभी मैंने एक ब्लॉग देखा था सुबह से उठ के 5 बजे से कि वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, तो अभी मैं निकलने वाला हूँ। रेडी भी हो चुका हूँ और अंदर में बहुत ही ज़्यादा कपड़ा पहन चुका हूँ, वही 1-2-3, और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखता हूँ और आप लोगों को भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और एक जैकेट पहनूंगा इसके ऊपर। फिर यहाँ से डलहौजी है, मैं जहाँ पे हूँ बटाला में, यहाँ से है करीबन 163 किलोमीटर। तो बस में जाऊँगा और रेडी होता हूँ, थोड़ा सा बस जैकेट वैकेट पहनना है, फिर निकलूँगा। पूरा फाइनल रेडी होके निकल रहा हूँ मैं घर से, बैग में अपना सामान रख लिया हूँ। और यहाँ पे हरमीत भी है, मेरे को छोड़ने जा रहे हैं बस स्टैंड, वहाँ देखते हैं बस मिलता है नहीं तो वहाँ से पठानकोट जाएंगे, पठानकोट से बस लेंगे। डलहौजी वाले बस में मैं बैठ चुका हूँ, 11 नंबर में लगा था बस। धर्मशाला भी अच्छा जगह है, लेकिन यहाँ से अभी दूर पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। और डलहौजी मेरा जो बड़े भैया हैं वो गए हुए हैं, MA BA जो बाहर चले गए, उनको पता है, इसलिए वहीं जा रहा हूँ मैं। पठानकोट से निकल रही है बस डलहौजी के लिए। इतने टाइम से सोने के बाद अभी शाम के बज चुके हैं 6 और मैं डलहौजी पहुंचने वाला हूं, पर 6 किलोमीटर है यहां से। डलहौजी में बस से उतर के अभी मैं जा रहा हूं गाड़ी को। ये रास्ता है और थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा यहां पे, क्योंकि अंधेरा जगह है, मतलब अंधेरा हो चुका है। बहुत दूर चढ़ने के बाद फाइनली गांधी चौक पहुँचने ही वाला हूँ थोड़ी देर में, थक चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे डलहौजी में होटल ढूंढ के अभी आराम करूँगा थोड़ा सा। और यहाँ का रूम देख सकते हो, और ये छोटा सा टीवी दिया है, यहाँ पे बेड है, और ये अपना कुछ काम करने के लिए, और यहाँ का वॉशरूम ऐसा कुछ है। थोड़ी देर आराम करूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ ट्रैवल करके, और नींद भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। देखता हूँ मार्केट साइड घूमने जाने का मन होगा तो जाऊँगा। होटल वालों की तरफ से हमको चाय मिला है और पानी का भी यहाँ इंतज़ाम है। रात तक स्नोफॉल हो जाता तो अच्छा रहता, और यहाँ से व्यू पॉइंट है आगे, तो वो सुबह ही दिखाऊंगा, अभी तो पहले मार्केट घूमता हूँ मैं। अभी मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ चुका है यहाँ पे, और होटल वाले बता रहे हैं कि रात को स्नो भी हो सकता है बाहर में, तो आप लोगों को मैं बाहर लेके चलता हूँ। और मेरा हाथ पूरा ठंडा हो चुका है, अभी तो स्नो में नहीं गया तो क्या होगा अगर स्नो में जाऊंगा तो जाता हूँ मैं बाहर, आप लोगों को मार्केट दिखाता हूँ यहाँ का डलहौजी का। मैं मफलर खोल चुका हूँ क्योंकि मेरे को अब ठीक ठाक ही लग रहा है, और मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ डलहौजी का व्यू, जो कि सुबह बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। और यहाँ पे नाइट आउट कर सकते हैं, शायद आग वाग भी जलाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट साइड, देखता हूँ, और अंधेरा भी बहुत है और अभी बज चुके हैं रात के 9, तो देखता हूँ यहाँ पे मार्केट खुला हुआ है कि रात के 9 बजे, और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा आ रहा होगा कैमरा। चलता हूँ, 3 किलोमीटर है यहाँ से मार्केट। ये रेड वाला जो दिख रहा है ये है होटल, थोड़े ऊपर आते कि यहाँ पर है व्यू। ये है डलहौजी का मार्केट, मार्केट से मैं अभी जा रहा हूँ रूम। बहुत ही ज्यादा यहाँ ठंड बढ़ चुका है, हो सके तो यहाँ से करीबन 18 किलोमीटर में बता रहे हैं स्नो है, रात को भी गिर सकते हैं यहाँ, अब पता नहीं, फिक्स नहीं है। अगर गिर जाए तो अच्छा है, 18 किलोमीटर जाना नहीं पड़ेगा, नहीं भी गए तो देखेंगे किस्मत अपना साथ देता है कि नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ रूम, मार्केट घूम के मैगी खा के। पानी कहाँ से गिर रहा है भाई, इतना ठंड में ठंडा पानी है यहाँ पे। पहाड़ का मैगी मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं अपने खाना छोड़ के मैगी मंगा लिया, और मेरे को यही सही लगा, और खाना में कुछ अच्छा था भी नहीं यहाँ। मैं आया था शाम के 6 बजे और घुमा फिरा, फिर अभी आके खाया, और अभी बच चुके हैं 10, अभी सोऊंगा और बता देता हूँ कितना खर्चा आता है वहाँ से।
अगर आप अमृतसर से यहाँ आते हो तो अमृतसर से बस का पूरा यहाँ तक किराया पड़ जाएगा आपको 200 रुपये, और रूम वूम लेके और आपका खाना पीना खर्चा रूम आपको मिल जाएगा 2500 से 3000 तक में, और आपके बजट के हिसाब से खाना पीना भी मिल जाएगा यहाँ। तो बहुत ही अच्छा जगह है, अगर स्नो नहीं भी मिला तो। अब मेरे को सुबह पता चलेगा कि किस टाइप का सामने व्यू है। वैसे लोग बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है करके। तो सुबह उठ के देखूंगा, तो मैं सुबह मिलता हूँ डायरेक्ट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अभी बज चुके हैं सुबह के 8, और रात में बहुत ही अच्छा नींद आया मेरे को यहाँ पे, और देख सकते हैं मेरे रूम का हाल। और यहाँ पे अब मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार है। जैसे ही उठ के देखा एकदम से बहुत ही मजेदार लगा मेरे को व्यू। अभी मैं बाहर चलता हूँ और चाय मंगाता हूँ, फिर चाय एंजॉय करता हूँ व्यू में। रूम को कर दिया है मैंने लॉक, और जैकेट भी पहन लिया है क्योंकि ठंड है। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई व्यू, भाई ओ भाई साहब, अभी तक बाहर नहीं आया था मैं, अभी जस्ट आया हूँ। और अपना चाय भी आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू, इस व्यू में चाय पीने का मजा कुछ अलग ही है। बहुत टाइम से धूप का वेट कर रहा था, आ चुका है अब, और अकेले ही आया हूँ। कोई आता तो फोटो भी ले देता, बाकी कोई मिलता है तो उनको बोलता हूँ फोटो ले देना। चलते हैं अब रूम, क्योंकि जाना भी है घूमने, यहीं रहेंगे तो घूम नहीं पाएंगे। मैं अभी जस्ट आया हूँ नहा के, और तुरंत तुरंत कपड़ा पहना क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितने सारे कपड़े पहना हूँ, 1, 2, 3 और 4 कपड़ा, फिर उसके ऊपर ये जैकेट, फिर उसके ऊपर मोटा जैकेट, ये सब पहन के आया था मैं, तब भी मेरे को ठंड लग रहा था। और अभी बज चुके हैं 10, मैं पग बांधता हूँ फिर निकलूंगा यहाँ से, चेकआउट करूंगा, निकलने वाला हूँ बस। और अभी खड़ा के रख दिया हूँ रूम को, बस कपड़ा वपड़ा रखना है जो रात को पहन के सोया था, फिर निकलूंगा। अभी पग भी बन चुका है, यहाँ से निकलूंगा, खड़ा सामान है उसको पैक करता हूँ यहाँ पे, जितना भी मेरा सामान है, फिर चेकआउट करूंगा, निकलूंगा यहाँ से। अभी होटल चेकआउट कर दिया हूँ, जा रहा हूँ एक जगह बताया है वहाँ स्नो मिल सकता है, मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि बस बस कुछ नहीं चल रहा है, तो पैदल ही जाएंगे। फिर से सीढ़ी चढ़ो ऊपर, वहाँ ऊपर गाड़ी है ना, वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ से स्टार्ट होगा रोड। यहाँ पे अच्छा आता फोटो, कोई दिख रहा नहीं है, यहाँ से मस्त है भाई व्यू। अरे होटल नीचे, आला का शॉर्टकट रास्ता मिल गया है मेरे को, आला एक शायद यहाँ पे जगह का नाम है, उधर से आया हूँ मैं, और यहाँ से मिल सकता है स्नो बोर्ड है। ऊपर बहुत ही जाना पड़ेगा, वही 5-6 किलोमीटर, और गाड़ी चल रहा नहीं है क्योंकि स्नो है ना, कम गाड़ी चलता है। पूरा सुनसान रास्ता है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जंगल, और इधर भी देख सकते हैं पूरा जंगल। और मैं जा रहा हूँ, करीबन 500 मीटर आगे आऊंगा मैं, ये इस टाइप का कुछ चढ़ाव ले यहाँ का, जा रहा हूँ, डर भी लग रहा है थोड़ा, सुनसान रास्ता है तो देखता हूँ। मैं करीबन 3 किलोमीटर चढ़ चुका हूँ ऐसे चढ़ाई में, और शायद से 1 किलोमीटर हो सकता है मेरे हिसाब से, ये तो और भी दूर हो सकता है, 5-6 किलोमीटर, वो मेरे को पता नहीं क्योंकि आज तक मैं आया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम है। टूरिस्ट आ रहा है पीछे, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। 2000 years later, रेस्ट तो हो गया, चढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। वहाँ से 1 किलोमीटर आते ही मेरे को स्नो दिख चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गिरा हुआ है, वहाँ पे भी है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, फर्स्ट टाइम स्नो ऐसे ठंड में छूंगा। भाई बहुत ही ज्यादा ठंडा है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा है, और नीचे भी होगा देख सकते हैं, बहुत ही सारा भी आगे और मिलेगा, और यहाँ पे दिख रहा होगा स्नो स्नो व्हाइट व्हाइट। मेरे को और एक जगह दिख गया है, स्नो में च्युइंगम खा रहा हूँ इसलिए व्लॉग नहीं बना रहा था। इधर से है रास्ता जो कि बंद है, यहाँ पे है, अभी तो आगे और आएगा, स्टार्टिंग है ये पूरा स्नो स्नो, ठंड में गर्मी लग जा रहा है एकदम से। यहाँ पे लोगों से पूछते जाने से और डिस्टेंस बता रहे हैं यहाँ से, और 6 किलोमीटर है बताया एक भाई ने। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे भी स्नो है, देखते हैं कितने किलोमीटर है, ये पेड़ को देख सकते हैं गिरने ही वाला है, मैं तो जल्दी चलता हूँ, डर लग रहा है पूरा। सामने रोड है, किसी गाड़ी के ऊपर ना गिर जाए, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मैं स्नो के ऊपर चढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे दिखा देता हूँ पूरा जमा पड़ा है, क्योंकि संडे को गिरा था यहाँ पे स्नो, और आज आए हैं टूरिस्ट लोग। आगे का रास्ता जो है कजियार का बंद कर दिया गया है, और जो भी आ रहा है यहीं पर फोटो वोटो ले रहा है।
आपको स्नो में आना है तो आप लोगों को 4-5 कपड़ा पहन के आना होगा। और अभी यहाँ पे स्नो तो नहीं है ज़्यादातर, वो संडे को हुआ था, संडे में वो यूट्यूब में देखा वीडियो और आ गया, फिर यहाँ के देखा, फिर 7-8 किलोमीटर आना पड़ा वहाँ से, एक आला करके गाँव है ये यहाँ पे, वहाँ आया, फिर वहाँ मेरे को मिल गया थोड़ा सा भी जितना था। अब घर निकलूंगा क्योंकि 2 बज चुका है अभी और ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, निकलने वाला हूँ अभी। सॉरी, हम लोग नीचे थे ना तो बर्फबारी हो रही थी, ऊपर है स्नो फॉलिंग होने लग गई है, नीचे बर्फबारी हो रही थी ऊपर है स्नो फॉलिंग हो रही है। इसका क्या मतलब है कि नीचे बर्फबारी हो रही थी ऊपर स्नो फॉलिंग? इसका मतलब है नीचे मजा है ऊपर भी मजा है। आठ नौ किलोमीटर चलने के बाद बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुका है और मैं अभी पहुंचने वाला हूं गांधी चौक, और तबीयत भी खराब हो गया अचानक से, लगा नहीं था कि तबीयत खराब होगा, पता नहीं, फिर भी बस गांधी चौक से मेरे को एक टोपी ओपी लेना है, फिर मैं निकलूंगा बस स्टैंड, गांधी चौक पहुंच चुका हूं। चलो भाई, जी की हसीन बाजियों का आनंद लेते हुए सिंह जी घोड़े में बैठे हुए राइड करते हुए, हाँ, मैं बस स्टैंड आके 4:30 बजे बस पकड़ लिया और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा चढ़ने में, पता नहीं लगा लेकिन उतरने टाइम में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। अभी निकल रहा है पठानकोट के लिए, बहुत ही ज़्यादा थकान हो गया है मेरा और मेरा फ़ोन में चार्ज भी नहीं है तो शायद मैं डायरेक्ट घर जाके भी ब्लॉग बना सकता हूँ। बस स्टैंड पहुंचने के बाद मैं सीधा बटाला गया और उसके बाद व्लॉग आने वाला, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यहां तक वीडियो देख लिया तो लाइक करे बिना मत जाना और कमेंट करके बताना कि वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।